हार्दिक पांड्या अपनी बेशकीमती घड़ियों को लेकर फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार बात घड़ियों की कीमत से आगे की है। बीती 15 नवंबर की सुबह हार्दिक पांड्या जब यूएई से लौटे तो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर पांड्या को कस्टम ऑफिसर्स का सामना करना पड़ा। कारण, 1.5 करोड़ की उनकी घड़ी। कहा गया कि पांड्या की घड़ियां कस्टम ऑफिसर्स ने जब्त कर ली हैं, क्योंकि वो कस्टम वालों को घड़ियों के इनवॉइस नहीं दिखा पाए थे, ना ही उन्होंने अपनी इन घड़ियों को बाकी सामान की लिस्ट के साथ डिक्लेयर किया था। कुछ मीडिया रिपोर्टों में पांड्या की घड़ियों की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन पांड्या ने ट्वीट कर साफ किया कि कीमत 5 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कस्टम वालों ने नहीं पकड़ा, बल्कि वो खुद कस्टम ऑफिसर्स के पास गए, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उन्हें जितनी कस्टम ड्यूटी देनी थी उसकी हामी भरी। कुछ महीने पहले हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या को भी महंगी घड़ियों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया था। तब कृणाल ने कहा था कि उन्हें डिक्लेरेशन प्रोसीजर और कस्टम ड्यूटी के बारे में पता नहीं था। अब कृणाल पांड्या तो क्रिकेट स्टार के भाई हैं, कह दिया कि उन्हें कस्टम के नियम कायदे नहीं पता, लेकिन हम और आप तो ठहरे आम आदमी। कभी विदेश जाने का मौका मिला और लौटते समय विदेशी सामान के साथ कस्टम काउंटर पर धर लिए गए, तो ऐसे में कृणाल वाला एक्सक्यूज ना देना पड़े इसलिए कुछ नियम कायदे जान लेते हैं। तो आज हम आपको समझाएंगे कस्टम ड्यूटी का पूरा गणित। सबसे पहले जानते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है। कस्टम ड्यूटी को समझने से पहले इम्पोर्ट ड्यूटी को समझना होगा। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब आयात पर लगने वाला शुल्क या टैक्स। इसी तरह एक्सपोर्ट पर जो शुल्क या टैक्स लगता है उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। आयात शुल्कों को कैलकुलेट करने में कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये ड्यूटी उन इम्पोर्टेड गुड्स पर लगती है जो कस्टम ड्यूटी एक्ट के सेक्शन 12 में दिए गए हैं। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये ड्यूटी उन इम्पोर्टेड गुड्स पर लगती है जो कस्टम ड्यूटी एक्ट 1975 के सेक्शन 3 में दिए गए हैं। इसका रेट कमोबेश देश के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाले सामान पर लगने वाले टैक्स जितना ही रहता है, और अब ये GST के तहत भी आती है। ट्रू काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी, ये दोनों ड्यूटीज उन गुड्स पर लगाई जाती हैं जिनसे घरेलू प्रोडक्ट्स के मार्केट को नुकसान होने की संभावना हो। इन ड्यूटीज के रेट टैरिफ कमिश्नर डिसाइड करता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये ड्यूटी तब लगाई जाती है जब इम्पोर्टेड गुड्स की कीमत मार्केट वैल्यू से कम हो। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी देश से सस्ते में कोई माल खरीद कर यहाँ महंगे दाम पर बेचना चाहें तो आपको ये ड्यूटी देनी पड़ेगी। इन सारे टैक्सेस से रेवेन्यू यानी सरकारी कमाई बढ़ती है। वहीं कस्टम ड्यूटी में सख्ती से घरेलू बाजार का विदेश से कंपटीशन भी कंट्रोल हो जाता है। माने इसे ऐसे समझिए कि अगर सस्ते में बाहरी गुड्स इंपोर्ट करना बहुत आसान हो जाए तो मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट धराशायी हो जाए। कस्टम ड्यूटी के डिसाइडिंग फैक्टर्स पर भी अब बात कर लेते हैं। कस्टम ड्यूटी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे गुड्स कहाँ से आए हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग उनकी कहाँ हुई है, लाए गए सामान में मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, उसका वजन कितना है आदि। जो ड्यूटी गुड्स के प्राइस के अतिरिक्त दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उसे एड वैलोरम ड्यूटी कहते हैं, और वजन पर बेस्ड कस्टम ड्यूटी को स्पेसिफिक ड्यूटी कहा जाता है। कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 के मुताबिक देश में कस्टम ड्यूटी CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर आती है। ये बोर्ड ही ड्यूटी लगाने, अवैध सामान जैसे नारकोटिक ड्रग्स वगैरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने और पिनलाइज करने सरीखे काम करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज क्या रहेंगी ये तय करना भी इसी बोर्ड का काम होता है। अब कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी ये कस्टम वाले कैसे तय करते हैं। कस्टम वैल्यूएशन रूल्स का तीसरा नियम ये कहता है कि इम्पोर्टेड गुड्स की कीमत 10वें रूल के प्रोविजन के अकॉर्डिंग तय होंगी, लेकिन अगर वैल्यूएशन फैक्टर्स के हिसाब से संबंधित डेटा मौजूद नहीं है या कस्टम ऑफिसर्स को गुड्स की कीमत को लेकर कोई डाउट होता है तो वैल्यूएशन दूसरे मेथड से किया जाएगा। कंपैरेटिव वैल्यू मेथड रूल 4, इस तरीके में होता यह है कि उसी तरह के दूसरे सामान की कीमत से तुलना करके सामान की कीमत को तय किया जाता है। कंपैरेटिव वैल्यू मेथड रूल 5, तरीका ये भी रूल 4 जैसा ही है। फर्क इतना है कि पहले वाले में बिल्कुल एक जैसे सामानों का कंपैरिजन करते हैं, जबकि रूल 5 में उसके जैसे किसी दूसरे सामान का कंपैरिजन किया जाता है। मान लीजिए आप कोई नायाब पेंटिंग खरीद कर आए और आपके खरीदारी के डॉक्यूमेंट्स पर कस्टम वालों को शक हुआ तो वो इसकी कीमत वैसी ही दूसरी किसी पेंटिंग से कंपेयर करेंगे, और अगर हूबहू वही पेंटिंग नहीं है तो वो ये देखेंगे कि वाला पेंटर जिसकी पेंटिंग आप लाए हैं उसकी दूसरी पेंटिंग्स अमूमन कितने की रहती हैं। डिडक्टिव वैल्यू मेथड रूल 5 Part 3, इस तरीके में ये देखा जाता है कि जिस देश में सामान इम्पोर्ट किया जा रहा है उसमें उस सामान की क्या कीमत है।
कंप्यूटेड वैल्यू मेथड रूल 7। इस तरीके में कीमत को तोड़कर देखते हैं। तोड़ना मतलब ऐसे समझिए कि सामान के मटेरियल की कॉस्ट क्या है, उस पर बाकी फैब्रिकेशन कैसा है, जिस देश में वो सामान मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया है, आदि चीज़ें इसमें काउंट की जाती हैं। फॉल बैक मेथड रूल 9, ये तरकीब और कुछ नहीं बल्कि अभी तक की सारी तरकीबों का एक मिला जुला रूप है। फर्क यहाँ पर बस इतना है कि इसमें बाकी सारी तरकीबों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन ले आते हैं, जबकि बाकी सारे रूल से काम ना चले, कीमत ना तय हो पाए, तो उन्हीं सारे रूल्स को थोड़ा कम स्ट्रिक्ट रख कर कीमत को तय किया जा सकता है। अब आपको समझाएंगे GST का पूरा खेला। इंटीग्रेटेड GST एक्ट 2017 के मुताबिक इम्पोर्टेड गुड्स पर IGST लगता है। इम्पोर्ट पर GST कितने फीसदी है जब इसकी खोजबीन की तो CBIC का एक PDF हमें मिला। संक्षिप्त में तिया पांचा ये है, मान लीजिए आपने कोई सामान 100 रुपए का इम्पोर्ट किया जिस पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है, तो इसे जोड़कर टोटल प्राइस हुआ 110 रुपए। अब 10% बेसिक ड्यूटी का 3% एजुकेशन सेस है जो हुआ 30 पैसे। यहाँ तक आपके 100 रुपए के सामान की कीमत हो गई 110 रुपए 30 पैसे। इसे मूलधन मान लीजिए। अब इस पर 2 टैक्स लगेंगे, वो भी अलग अलग। एक कॉम्पेंसेशन सेस जो कि 16% होता है और दूसरा GST जो कि इम्पोर्टेड गुड्स पर 18% लगता है। तो कॉम्पेंसेशन सेस हो गया 16 रुपए 55 पैसे और IGST हुआ 19 रुपए 85 पैसे। माने अगर पांड्या ने दुबई में घड़ी 100 रुपए की खरीदी होती तो उन्हें भारत सरकार को टैक्स में कुल 46 रुपए 70 पैसे चुकाने होते। अब घड़ी 1.5 करोड़ की थी और उसका 46.7% जोड़कर देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइएगा। कस्टम एक्ट 1962 के मुताबिक घड़ी पांड्या को तभी मिलेगी जब वो कस्टम डिपार्टमेंट को पूरा टैक्स चुका देंगे। अब ये भी आपको बताते हैं कि कस्टम ड्यूटी खुद आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप भी कुछ विदेशी आइटम मंगाने की सोच रहे हैं और जोड़ना चाहते हैं कि आपको कितनी रकम बतौर टैक्स अदा करनी होगी, तो इसके लिए CBIC की वेबसाइट पर अलग से कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर ICEGATE पोर्टल में दिया गया है। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको उस सामान का HS कोड डालना होगा जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। HS कोड 6 डिजिट का एक कोड होता है जो हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिटेल्स और कोडिंग प्रणाली पर बेस्ड होता है। कैलकुलेटर पर जाकर 30 शब्दों के अंदर डिटेल भरनी होगी और उस कंट्री को सेलेक्ट करना होगा जहां पर वो सामान बना है। इसके बाद सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सामान की एक लिस्ट दिखाई देगी। किसी भी एक आइटम को चुनने के बाद इससे जुड़ा हुआ एक चार्ट देख पाएंगे जिसमें कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। और अब चलते हैं ऑनलाइन कस्टम ड्यूटी की तरफ। ICEGATE यानी इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे, ये पोर्टल आपको बिजनेस और कार्गो वालों की जानकारी तो देता ही है, साथ ही ई फाइलिंग सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जो हम अभी बताने जा रहे हैं। ICEGATE ई पेमेंट पोर्टल पर जाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डालें या ICEGATE द्वारा दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल डालें। ई पेमेंट पर अब क्लिक करें। पेमेंट करने का तरीका यहाँ पर चुनें। चुने हुए बैंक के पेमेंट गेटवे पर पे करें। हालांकि इस तामझाम से बचना चाहते हैं तो आप शिप रॉकेट जैसे किसी लॉजिस्टिक्स पार्टनर की मदद भी ले सकते हैं। तो ये था मोटा माटी ज्ञान कस्टम रूल्स और कस्टम ड्यूटी पेमेंट को लेकर। अब अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं इस बारे में तो आप CBIC की वेबसाइट पर जाकर इसका गहन अध्ययन भी कर सकते हैं। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है दिव्यांशी और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।